हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम सिक्स क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं और हमारी बेसिक क्लासें जो 16 क्लासों में कंप्लीट हुई हैं, जो बेसिक कंसेप्ट था हमारा, और हमने गिनती से यानी कि जीरो से शुरू करके और लाभ हानि पर बेसिक क्लासें खत्म की हैं और अब हम मैथ शुरू कर रहे हैं छठी से दसवीं तक का। तो आज हमारी सिक्स क्लास की पहली क्लास है और हमारा चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो हम हर पेज से कुछ ना कुछ सीखेंगे। पहले हम जो अक्सर साइज से पहले जितने भी पेज दे रखे हैं उनको कवर करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उसने क्या दे रखा है। ये तो है नहीं कि बुक वाले पागल थे, है ना, उसने कुछ ना कुछ दिया है तो हमने पढ़ना चाहिए और उससे कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा, है ना। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास शुरू होने से पहले पहले आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आती है तो आज तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। और आज बच्चों आपका मैच शुरू हो चुका है, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। बच्चों जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी। वैसे तो बच्चों ये चैप्टर है ना, फर्स्ट हमारा बेसिक क्लास है, जितनी 16 क्लासें हैं उनमें कंप्लीट हो चुका है। आप भी अगर 16 की 16 क्लासें देखोगे तो आप खुद कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और आप जरूर देखना, जिसने नहीं देखी है तो आप जरूर एक एक आपने कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा उसमें। तो आइए आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी अगले सोमवार को होगी। आज हम इस सोमवार को क्या करेंगे, हम इसके चैप्टर के बारे में जानेंगे और हम हर एक पेज से कुछ ना कुछ समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो पहला शब्द दे रखा है उसी से चलेंगे। और चैप्टर का नाम है बच्चों अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसमें पहले जो पेज है, अध्याय लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, जहां पे एनसीईआरटी का ये मैथ है, हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। हाँ हाँ, ये तो हमको पता है, अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्या में गिन सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या और इन संख्याकों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्या में संबंधित सूचना भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि उसने बोला है कि आज हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को गिन सकते हैं और गिनने के बाद हम हमारे पास चिन्ह है, इतने चिन्ह है कि हम उन संख्याओं को गिन के अगले को बता सकते हैं कि वो कितने के कितना क्या कुछ है, ठीक है, कि उसको कितनी राशि है, क्या कुछ है, उसको बता सकते हैं हम गिनकर। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। उसने कहा है कि पहले हमें बड़ी राशियों के बारे में पता नहीं था, कि पहले हम मान लिया कोई भी ज्यादा बड़ी राशि थी उसको उनका पता था कि ये कितनी है, ये कितनी, उनको केवल संकेत मात्र से ही पता करते थे कि ये कितनी है, उनका संकेत होता था, जैसे भी था वे किस तरह उसको मालूम करते थे कि वो इतनी है, ये क्या बोलकर उस राशि को निरूपित करते थे, ठीक है। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में जानते थे। तो उसने कहा कि कई हजार पहले केवल लोग छोटी छोटी संख्याओं को जानते थे, बड़ी संख्याओं को नहीं जानते थे, बड़ी मात्रा को नहीं जानते थे। अब पहले
एक एकड़ जमीन में अब गेहूं होते थे और उसमें इस तरह एक यानी कि 50 किलो पूरे खेत में 50 किलो अनाज निकले, गेहूं निकले पूरे खेत में एक एकड़ जमीन में। और आज होंगे 50 कट्टे और एक कट्टा समझ लो 50 किलो का, कितने वेट के? 2500 किलोग्राम गेहूं होता है आज के टाइम। और पहले पहले कितना था? इधर एक पूरे एकड़ में एक कट्टा। तो उनको मात्रा की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं ज्यादा बड़ी मात्रा की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए वे संकेत मात्र से ही अपना काम चला रहे थे। इसमें उसने ये बात बोली है, ठीक है। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेत मात्र से ही सीखा है। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका है। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में जितनी भी मात्रा होती थी वो कुछ ना कुछ संकेत मात्र से ही पता करते थे कि इतना अनाज हुआ है, इतना जो जो कुछ भी था, उनकी राशि थी, कुछ भी था, गिनती थी, कोई पैसे थे, रुपए थे, जो भी था वो संकेत मात्र से ही उनको दर्शाते थे। उन्हें इस पूरे जगत में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे मानव ने उन्नति की, वैसे ही गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई। अब मानव उन्नति करने लगा, उसने गेहूं उगाने के लिए नई नई तकनीकें सीखी, नई नई तकनीकें सीखी तो पैदावार बढ़ी। पैदावार बढ़ने से तुमको मात्राओं की जरूरत पड़ी कि इससे काम नहीं चलेगा, तो हमें हमारी जो मात्रा बढ़ी है, मान लिया 10 कट्टे होने लग गए अब, या 500 किलोग्राम लगा लो, पहले 50 किलोग्राम था तो अब 500 किलोग्राम होने लग गया अनाज, तो मात्रा की बढ़ी ना, जरूरत बढ़ी। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण मैथ की जो गणित की हमारी संकेत थे वो बढ़ने लगे और जरूरत पड़ने लगी कि हम संकेतों से कब तक काम चलाएंगे, कि निश्चित चिन्ह चाहिए हमें जिससे हम उसको पता कर सके और दूसरे को भी बता सके, और दूसरे को भी पता होना चाहिए हम अगर ये चिन्ह लगा रहे हैं तो उस चिन्ह का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हम उसको भी पता होना चाहिए, एक निश्चित चिन्ह होना चाहिए उसको, सभी को उस बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं ये लिखूं तो ये 5 बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर मैंने इसके पीछे 4 जीरो लगाई तो ये समझ लो 50,000 बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने विकास किया गणित में। इसके परिणाम स्वरूप गणित में भी विकास तेजी से हुआ। हम संख्याओं का प्रयोग करके और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने में करती है कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब कोई भी है बच्चों, अब मान लिया इसमें 30 किलोग्राम चीनी और एक इसमें 20 किलोग्राम चीनी। तो इसने कहा है कि इन संख्याओं को जानने के बाद ही हमें ये पता लगा है कि ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक है। तो इस पेज से हमें यही मालूम पड़ता है, टोटल पेज से जो ये लिखा हुआ है उसने सिर्फ यही बता रखा है कि हम संख्याओं को जानकर ही हम ये बता सकते हैं कि इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता कि इसमें 30 किलोग्राम को ज्यादा बोलते हैं, 20 किलोग्राम को कम बोलते हैं, तो हमें ये भी ज्यादा लग सकती है, ये कम लग सकती है ना। तो इस पेज से हमें यही पता लगा कि हम संख्याओं से पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा है और कौन सी में ज्यादा है, ठीक है। अगला पेज है और इसमें बोला है, इस पेज में उन्होंने किया, हमने पहले भी घटा 5वीं तक हमने क्या क्या सीख लिया है, जोड़ घटा गुणा
और भाग हमने ये सीख लिया है। हमारा फर्स्ट पेज क्या है कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास है सेकंड पेज। सेकंड पेज में उसने बोला है संख्याओं की तुलना करना कि कैसे संख्याओं की तुलना करें, कैसे ये पता लगाए कि ये बड़ी है ये छोटी है। देखो बच्चों हमने गिनती सीख ली है, इन्फिनिटी तक लिखना सीख लिया कि जीरो से लेके जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात संख्याओं को इन्फिनिटी तक हमने लिखनी आ गई है। ठीक है, अब आपको ये कहा गया है कि संख्याओं को कैसे पता लगे करें कि हम कौन सी संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब एक इसने सम दिया है कि 92 इसी पेज पे है, 392 एक है 392, अगली संख्या है 44 56, एक है 89 742 89 742। बच्चों देखो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, हमको अक्सर साइज अपने आप आ जाएगी जब अगर हम बारीकी से यहीं पर देखते रहे बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या को देखने के लिए कि हमें ये दे दी कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, या आरोही अवरोही क्रम लिखना। सबसे पहले हमने कोई सा कुछ नहीं करना, स्टेप एक करना है, हमने अंक गिनती करनी है, जिसमें अंक ज्यादा वही संख्या बड़ी। इसमें एक दो तीन चार पांच, इसमें कितने अंक हैं पांच, इसमें है चार, इसमें है तीन और इसमें है दो। सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर अंक ज्यादा तो संख्या बड़ी, अंक कम सबसे कम इसमें है तो सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमने अंक गिनती करने, इसमें पांच तीन है, इसमें चार है, इसमें तीन है, इसमें दो है, तो हमने लिखना है बड़ी संख्या 89 742 और छोटी संख्या कितनी है 92। ये हमारा उत्तर हो सीधा बस। उसके बाद इसने कहा एक और सम अगला, ये समझ में आ गया ना, एक्सरसाइज तक हम इसी वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज ही करेंगे हम अगले मंडे को। 1902 फिर उसने लिखा 1920 92 01 90 21 और सॉरी 92 10 92 10 ये दे दी। इसमें से कह दिया कि छोटी बड़ी को पहचानो, तो हम कैसे पहचाने। मैंने बोला कि पहले स्टेप क्या करना, हमने अंक गिनती करने, अंक इसमें भी कितने चार, 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 तो हमें तो इससे तो पता लगा ही नहीं, अंक तो सभी के बराबर है। अगर हमारे अंक सभी के बराबर हैं तो हमने अगला स्टेप चलना पड़ेगा, और अगला स्टेप क्या है कि हम जो पहला अंक है संख्या का बाया अंक है तो उसकी ओर देखेंगे। इसमें एक जिस भी अंक का पहला अंक छोटा है तो वही सबसे छोटी है, और जो सा उससे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है पहला अंक वही संख्या बड़ी है। दूसरा स्टेप यही है कि हम पहला जो बायां अंक है वो देखेंगे और उससे पता करेंगे कि क्या करना है, पता कि अंक कौन सा बड़ा है। अब इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें नौ, इसमें नौ, इसमें नौ, है ना पहला, तो हमारा अब पहला भी पहले से भी नहीं पता लगा, इसमें तो बहुत से हैं कि तीन, तीन में हमारा पहला अंक कितना नौ नौ और दो में कितना है पहला एक एक। अब इन दोनों से हमें यह भी नहीं पता कि छोटी, अब ये तो पता लग गया इन दोनों में से छोटी आएगी, इन दो तीनों में से बड़ी आएगी, तो हमें पता कैसे लगे। अब फिर उससे अगला अंक
बाएं से दाएं और चलेंगे, उससे अगला अंक यहां कौन सा है? 9, और यहां यहां भी 9, इससे भी पता लगा। फिर उससे अगला, क्योंकि यहां तक तो बराबर हो गए इसमें छोटी में, पहले छोटी को देखेंगे। अब ये तो इनमें से बड़ी बनेगी ना, क्योंकि बड़े अंक है, पहला अंक बड़ा है, लेकिन अब छोटी की बात कर रहे हैं पहले। अब हम छोटी को ढूंढने के लिए, ये भी दो अंक बराबर है, उससे अगला क्या है? उससे अगला 0 और उससे अगला 2, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? छोटी। हम छोटी को ढूंढ रहे हैं ना, तो पहले छोटा अंक आएगा, छोटी संख्या बनेगी 1902। अगर मैं कहूं बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? बड़ी संख्या देखो, अब पहले पहले अंक तीनों बराबर है, फिर उससे अगला अंक चलेंगे, यहां भी 2 और यहां भी 2 आ गया। चलो ये तो छोटी बन गई, इन दोनों से ये छोटी बनेगी ना, क्योंकि यहां पे तो 0 आ गया अगले अंक में, और यहां पे 2 2, ठीक है। फिर उससे अगला अंक यहां पे 0। अब बड़ी को ढूंढ रहे हैं हम, बड़ा अंक देखना हमने, यहां पे कितना? 0 और यहां पे 2, तो इसका मतलब ये क्या है? बड़ी संख्या है। तो 9210 क्या बनी? बड़ी संख्या बनी। ऐसे हमने छोटी संख्या और बड़ी संख्या को ढूंढना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप था हमारा अंकों की गिनती करना। अगर अंक समान है तो हम अंक देखते चलेंगे बाएं से दाएं ओर अंक देखते चलेंगे। अगर बड़ी संख्या देखनी है तो हम बड़े बड़े अंक देखेंगे, बड़ा अंक होना चाहिए लगातार। जैसे इसमें पहला अंक 9, फिर उससे बड़ा, इन दोनों से बड़ा है ना 2, फिर 0 से बड़ा 1 है ना, तो इसलिए हमारी ये बड़ी हुई। और छोटी में हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। ये हमारा छोटी और बड़ी पहचानने का तरीका है। उसके बाद आपको ये तरीका आ गया ना। अब तीसरे पेज में बोला हमने कि अंक दे दिए, आपको अंक दे दिए जाए, क्या करे जाए कि आपको अंक दे दिए, और अंक दे के बोले कि आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाएं इन अंकों से और छोटी से छोटी संख्या। आपको 7, 8, 3 और 5 अंक दिए। अंक कितने दिए? एक तो 7, 8, 3 और 5। अंक दिए इनसे एक तो बड़ी बनानी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इन्हीं से बनने वाली, और एक दूसरी बनानी छोटी संख्या। तो कैसे बनाए? देखो, छोटी संख्या बनाने के लिए हम सब छोटे अंक से बड़े की ओर लिखते जाएंगे, बड़े अंक को लिखते जाएंगे। बड़ी को लिखेंगे तो बड़े अंक से, छोटे की ओर जाएंगे। कैसे जाएंगे वो अब हम यहां पे देखेंगे। अगर हमें बड़ी लिखनी है, बड़ी संख्या लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी लिखनी है तो सबसे पहला अंक बड़ा होगा, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8, तो हम 8 लिखेंगे। फिर इससे छोटा अंक 7 है, इससे छोटा अंक 5 है, और इससे छोटा अंक 3 है। तो हमारे ये 4 अंक दिए हुए थे, और इन चारों से हमारी 4 अंक की संख्या कितनी बनी? 8753। अगर हमने छोटी संख्या बनानी, बोल दिया जाए कि आपको छोटी संख्या बनानी है इन 4 ही अंकों से, तो हम छोटे से चलेंगे। छोटे से पहले 3 आएगा, फिर उससे बड़ा कौन सा? 5 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है। तो ये क्या बनेगी? हमारी सबसे छोटी संख्या इन 4 अंकों से बनाई जाएगी, ठीक है। उसने फिर बोल दिया अगर आपको 0 शामिल कर दिया जाए,
अगर आपको जीरो शामिल कर दिया जाए, सैतालीस सॉरी 4750, मैंने बोला कि अगर आपको ये अंक दिए जाए 4750, इससे आप कैसे लिखोगे? इससे छोटी व बड़ी, छोटी व बड़ी संख्या कैसे बनाओगे? अब हमने बड़ी संख्या बनानी, पहले मैंने बोला कि बड़ी संख्या बनाते वक्त पहला अंक सबसे बड़ा होगा, दिए गए अंकों में सबसे बड़ा अंक है 7, फिर उससे छोटा है 5, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 0, ये बड़ी तो बन गई, ये बड़ी संख्या है 4 अंकों की, क्योंकि 4 ही अंक हमको दिए गए थे। अब हम छोटी संख्या बनाने लग जाए, छोटी बनाने के लिए अगर हमने सबसे छोटी संख्या देख ली कि 0 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 7 है, ये गलत है, ये गलत है। 0 से कोई संख्या नोट में लिख लीजिए, बेशक 0 से कोई संख्या शुरू नहीं होती, शुरू नहीं होती, ये बात, 0 से कोई संख्या भी शुरू नहीं होती। तो अगर हमारी 0 से कोई संख्या शुरू नहीं होती तो हम कैसे लिखें 4 अंकों से? हम वो लिखेंगे जो 0 के तुरंत बाद आता है, वो पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। तो इससे तुरंत पहले इसके 0 से अगला अंक 4 लिख दिया, उसके अब इन दोनों को पलटना हमें, 4 लिख दिया तो अब 4 की जगह कौन आएगा? 0 आएगी। अब 5 और 7 ये हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी, किन से? 4 अंकों से। अगर ये बात कहें तो ये हमारी 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी, क्योंकि अगर अंक के बाएं ओर किसी भी अंक के, अगर मैं ये बाएं ओर इस 50 के बाएं ओर अगर दाएं ओर लगाया तो ये, अगर 5 के दाएं ओर 0 लगाया तो ये 50 बना, मान बदल गया 5 का, 50 हो गया, ये अब 500 हो गया, ये क्या हो गया 5000 हो गया। अगर हम बाएं ओर लगाएंगे तो वो मान वही रहेगा, ठीक है, इनका कोई मान्य, कोई मान्यता नहीं इनको, कि आप अगर बाई ओर लगोगे, इनको बोल रखा अगर आप बाई ओर किसी अंक के सामने लगोगे, अंक के आगे लगोगे तो तुमको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। आपने इन अंकों से प्राकृत अंकों के दाई ओर लगना है तब तुम्हें मान्यता मिलेगी। 0 को ये बात इनने बोल दिया है, ठीक है, अगर तुम हमारी दाई ओर चलोगे तो आपको मान्यता मिलेगी, आप हमारे को मान दिलाओगे, अगर आप बाई ओर लगे तो आप मान हमारा नहीं बदल सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे आगे खड़े होकर हमारा मान बदल सको, ठीक है, क्योंकि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, क्योंकि आप अगर मान लिया कोई लड़का कमजोर है, कोई लड़का कमजोर है, अगर वो आगे खड़ा हो जाए, कोई आगे खड़ा हो जाए और वो बड़े बड़े हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऐसे यहां से उनको दिखने लग रहे हैं उनके चेहरे, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा और ये भी दिख रहा, इससे कोई फर्क नहीं कि तू आगे खड़ा है या नहीं खड़ा है, ठीक है। अगर ये यहां से, यहां की बजाय छोटा है जो कमजोर है वो यहां पे खड़ा हो जाए तो इनकी गिनती बदल जाएगी, अब ये 4 हो जाएंगे, अब ये 4 हो जाएंगे, ठीक है, ये समझाने के लिए, वैसे इसमें थोड़ी ही त्रुटि है समझाने में, ठीक है। अब ये बात क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास 0 दी जाए, चलो एक सम और ले लेते हैं इसका, इसने बोला कि 5403 इनसे बनानी है, कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए
पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा? 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0। तो ये हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। अब अगर हमने छोटी संख्या बनानी है, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, अगर हमने 0, 3, 4, 5 लिख दिया तो ये 3 अंकों की बनेगी संख्या, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी भी अंक के बाईं ओर 0 लगाएंगे तो उसका कोई मान नहीं बनेगा, वो 3 अंकों की ही लगेगी। अब हमने 4 अंकों की बनाने के लिए जो 0 के तुरंत बाद है, 0 के तुरंत बाद 3 है, तो इनके 0 का और 3 का स्थान बदल देंगे, बदलने पर हमारी संख्या बनेगी 3, 0, 4, 5। तो ये हमारी छोटी संख्या बनेगी, ठीक है। ये हमारी क्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या बनेगी दिए गए अंकों से। क्लियर? अब एक और सम ले लेते हैं। अब तो समों के साथ ही चलेंगे हम, सवालों के साथ ही आपको समझाएंगे। मैंने पहले बोल रखा वो बेसिक क्लासों में मैंने सिर्फ बात समझाने के लिए आपको एक एक सम करवाए हैं बीच में, लेकिन अब तो हम समों के साथ ही चलेंगे, सवालों के साथ ही रहेंगे। 1, 7, 6, 2, 1, 7, 6, 2, इनसे बनाओ। कैसे बनाएंगे? बड़ी संख्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, 7, 6, 2, 1, ये सबसे बड़ी बन के दिए गए अंकों से। और छोटी संख्या क्या बनी? 1, 2, 6, 7, ये हमारी दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनी। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अगला पेज है। अब अगले पेज में मैंने वही बात है मैंने जो पहले बताई थी, हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और किस तरह लगाते हैं। पहले सबसे पहले संख्याओं के अंक गिनती करेंगे, अगर अंक भी समान है फिर उससे अंक की देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आपको बात बता दी है। फिर उसके बाद आरोही और अवरोही क्रम आता है। आरोही और अवरोही क्रम मैंने वैसे तो क्लास में बेसिक क्लासों में करवा दिया है, लेकिन आप एक सम एक एक दोनों के सम देख लो। एक सम दे रखा है इसने कि 847 और 9754, फिर अगला दिया है उसने 8320 और एक दी है 571। ये दे दिया उसने कि इनका बोल दिया उसने आरोही क्रम बनाओ। क्या बनाओ? आरोही क्रम। हमें ये नहीं पता कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम समझेंगे कि आरोही क्रम हमारा बढ़ता क्रम होता है। मैंने डिटेल में ये बातें आपको बेसिक क्लासों में समझा रखी है, अब मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम। अगर हमारे घर पैड़ी हैं तो ये समझ लो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं पैड़ियों को। हमारी पैड़ियां निश्चित हैं 1, 2, 3, 4। अगर हम ऊपर से आएंगे ना तो पैड़ियां ये नहीं कहेंगी कि हम वहां से एक मानेंगे, नहीं, पैड़ियां हमारी नीचे से बनी है, ठीक है। पैड़ियां हमारी नीचे से बनी है और मिस्त्री भी हमेशा आपको देखा होगा आपने नीचे से बनाता हुआ नजर आया और उनके नाम टेक दिए, ये नाम फिक्स है कि ये एक है, यहां एक नहीं मानेंगे। जब ऊपर से आएंगे, ऊपर से हम वही मानेंगे कि अगर नीचे से जाएंगे तो बढ़ रहे हैं ना वहां 1, 2, 3, 4। अगर ऊपर से आएंगे हम ये कहेंगे कि 4, 3, 2, 1, 0 की फर्श पे आके हम 0 बोलेंगे कि हम पूरी पैड़ी पार कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आरोही क्रम क्या होगा? बढ़ता क्रम। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और एक होता है ऊपर से आना नीचे की ओर, वो घटता क्रम होता है, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम तो इसका मतलब जब आरोही क्रम हमने लिखना है तो इसका मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या है कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या, ये हमारा क्या है? आरोही क्रम है। तो अब हमने सबसे छोटी संख्या देखनी है तो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था कि पहले अंकों को देखो। अंक हमारे कितने हैं? इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। अब हमारी हमने लिखनी सबसे पहले छोटी संख्या,
फिर हमने छोटी संख्या इसमें और इसमें, हमारे क्या है अंक समान है, क्योंकि ये तो चार चार है, ये तो समझ लो बड़ी संख्या में आएंगे। देखना हमने क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या, छोटी संख्या इन दोनों के अंक समान है और इनसे दो योग से छोटी है दोनों, तो हम क्या देखेंगे, पहला अंक देखेंगे, इसमें आठ है इसमें पांच है, तो इसका मतलब छोटी संख्या कौन सी हुई, ये हुई। हम लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम बराबर 571 कोमा, उससे बड़ी संख्या ये कौन सी हुई, यही हुई, क्योंकि इसमें तीन ही अंक है और ये तो चार अंकों की है, तो अब हम लिखेंगे 847। फिर उसके बाद अब हमने बड़ी संख्या, इससे 847 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, अब हमारे पास है चार अंकों की, तो इन दोनों में से भी इसमें भी चार अंक है इसमें भी चार अंक है, तो कौन से देखेंगे, पहले अंक देखेंगे, पहले इसमें आठ है इसमें नौ है, तो इसका मतलब आठ वाली छोटी होगी, 8 3 2 0, फिर एक बच गई वो ऐसे लिख देंगे 9754। ये हमारे क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, ये बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी संख्या लास्ट में, ठीक है। अगर हमने अवरोही क्रम लिखना होता है इसी का अवरोही, इसी का अवरोही क्रम लिखना होता तो हम कैसे लिखते, इसका अवरोही क्रम कैसे लिखते, अवरोही क्रम बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है इसका, सब पहले सबसे बड़ी फिर उसके उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी दी गई संख्या में सबसे छोटी, तो अब सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हुई, उससे छोटी ये और उससे छोटी ये उससे छोटी ये, तो हम लिखेंगे पहले 9754, उसके बाद 8320, फिर उसके बाद है 847 और फिर 571, ये हमारी क्या होगी, अवरोही संख्या होगी, अवरोही क्रम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अब हमें स्थानीय मान, अब हमें स्थानीय मान समझना है, और स्थानीय मान भी मैंने डिटेल में समझा रखा है बेसिक क्लासों में, कहने का मतलब ये है बच्चों आपको जो दसवीं तक का जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने 16 क्लासों में कंप्लीट कर रखा है, आप चैनल पे जाइए और चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बेसिक मैथ क्लासेज नाम से प्लेलिस्ट बनी दिखेगी और उसमें 16 क्लासें आपकी इसी प्लेलिस्ट में होगी, इस नाम से प्लेलिस्ट जो बनेगी, और जो ये आज की वीडियो है ये आपकी हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के डाली जाएंगी, ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम पाएगा आपको प्लेलिस्ट का अपनी संख्याओं की जानकारी और कक्षा का नाम सिक्स्थ क्लास, ठीक है, वो आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी आपकी, ठीक है, तो आप अगर आपको बारीकी से मैथ समझना है तो आप जरूर इनको 16 क्लासों को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम समझेंगे स्थानीय मान, क्या समझेंगे, स्थानीय मान, तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें कमेंट करें और एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, आपके पास जितने कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप पर मैसेंजर पर जितने भी हैं आप प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। देखो स्थानीय मान समझने के लिए बच्चों हमें पहले तो देखो, वैसे तो हमें स्थानीय मान ये बोलते हैं कि जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं 8474, ये पहला अंक है, पहला अंक हमें जस्ट ऐसे कैसा लिखना होता है, ये इकाई अंक है, क्यों इकाई अंक, एक इकाई बोलते हैं एक को, इसकी एक के साथ गुणा होती है और ऐसे क्या आता है चार आएगा। उसके बाद ढाई, ऐसे तो हम सीधे बोलते हैं कि एक हमने एक का स्थानीय मान निकाल दिया, अब ये कितना है दूसरा अंक है, एक का निकाला ना तो एक जीरो लगा दी, अब हमने दो योग निकाल दिए तो हम दो जीरो लगा देंगे, और अब हम कितने का लगाया, तीन का निकाल दिया ना, एक दो तीन, जितने का निकालता जाए उससे अगली संख्या में उतनी ही जीरो लगा दे, हमने तीनों का निकाला तो हमने तीन जीरो, इसलिए ये हमारा स्थानीय मान हो गया, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है, क्यों लगाई जीरो, किस पोजीशन पे है,
कहाँ है, इसका मान क्या है, हमने स्थानीय मान और जातीय मान बिल्कुल डिटेल में बता रखा है बच्चों, क्लास में आप जरूर देखिए, ठीक है। अब पहले इनको ही समझेंगे कि संख्या कैसे बनी है, ठीक है। अब मैंने बोला कि संख्याओं को लिखने के लिए संख्या के 10 चिन्ह बनाए गए, वो जीरो से शुरू किए गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे 10 चिन्ह हैं। इन्हीं से हमने संख्याएं लिखनी सीखी है, कितनी तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक की संख्याएं हमने लिखनी सीखी, किन से, इन्हीं चिन्हों से। अगर हमारी प्रत्येक संख्या का चिन्ह अलग अलग होता तो हमारे वही उलझन फिर रह जाती और हम चिन्हों को, पूरी चिन्हों को हम सीख नहीं पाते कि इसको 1 लाख मान लिया, 1 लाख को कोई ऐसा चिन्ह बना दिया कांटा कूटा मार के कि इसको 1 लाख बोलते हैं, और फिर उससे एक छोटा उससे एक छोटा, तो हम इतने कितने चिन्हों को सीख नहीं पाते। तो उसने बनाने वाले ने, जो जिसने काउंटिंग बनाई है, उसने इन 10 अंकों से ही सभी संख्याओं का निर्माण किया है कि हम इसको इसी क्रम में लिखे कि सभी को इन्हीं चिन्हों से पता लगे, ठीक है। और इन चिन्हों को हम डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं, और इकाई अंक बोलते हैं इनको, और इकाई अंक को हम डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, और इन 10 अंकों से ही संख्याओं का निर्माण हुआ, ठीक है। अब 10 अंक के बाद हमने जो हमने ये तो हो गया, लेकिन हम गिनती लिखते हैं 1 से अगर हमने 9 तक लिखा, उसके बाद हमने संख्या का निर्माण करना था 10 का, तो उसने क्या किया कि 9 के तुरंत बाद वही क्रम शुरू कर दिया कि 9 के बाद 0 आएगी, और उसने 9 के बाद 0 लगा दी, और उसके बाद उसने क्या किया, अगर हमने 9 के बाद 0 लगाई है तो उसके बाद उसने 1 प्रारंभ किया कि हमारा 1 जो वर्णमाला है 10 अंकों की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसने उसके लिए 1 लगाया। अगर हमारी 2 बार कंप्लीट होगी तो फिर उसके बाद 9, जैसे अब 11, जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब यहाँ पे आ गए हम 9, यहाँ पे 9 आ गए, 9 के मैंने फिर तुरंत बाद क्या कहा कि उसने 0 लगाना शुरू कर दिया, और लेकिन उसने कहा कि 1 वर्णमाला खत्म होगी तो हम 1 लगाएंगे, और अब हमारी 2 वर्णमाला खत्म होगी ना, यहाँ तक 0 तो यहाँ लगी, 0 के तुरंत बाद 1 से शुरू किया उसने, और फिर यहाँ पे 9 आ गया, 9 के बाद तुरंत 0, यहाँ फिर 1 से शुरू कर दिया, और यहाँ पे कितनी, ये 1, 1, 1 का मतलब 1 वर्णमाला कंप्लीट होगी, ठीक है। और इसके तुरंत बाद हमारी 2 वर्णमाला कंप्लीट होगी 10 अंकों की, तो हमारी क्या होगी, 2 वर्णमाला कंप्लीट होगी। तो ऐसे उन्होंने गिनती को बनाना शुरू किया और ऐसे गिनती बनी। लेकिन ये जब 10 बना, ये 2 अंक बने, इसमें 10 बने तो 2 अंक बने, और इसका नाम टेक दिया दाहिन, इसका इकाई अंक और इसका दाहिन। अब उसके बाद दाहिन कब से बनी, जब से 10 बना, 2 अंकों की संख्या बनी। अब उसके बाद 99 तक ये दाही अंक बने, 2 ही अंक बने, और 99 के बाद 100 अंक बनाए, 100 बनाया गया, तो 100 में 1 अंक जुड़ा और उसका नाम टिका सैकड़ा, उसका नाम रखा सैकड़ा, और ये इकाई था, जो सिंगल अंक था हमारे यहाँ पे इकाई बोलते थे, इकाई अंक, और ये दाही अंक, और तीसरा सैकड़ा। अगर उसके बाद 999, इसके बाद हमारा 4 अंकों की संख्या बनी जिसमें 1000 बना हमारा, इसका नाम 1000 रखा गया, और 1000 में हमारा इकाई ये दाई ये, और सैकड़ा हमारा यहां तक 100 में था, उसके बाद 1 अंक और बढ़ गया, और उसके बाद 1000 निर्माण हुआ, तो इसको 1000 बोलने लगे। ऐसे ही हमारे संख्याओं का निर्माण होता गया। अब हमें एक मूल चीज बनाई गई, एक संख्याओं को जानने के लिए हमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उसके बाद 10 करोड़, ठीक है। हमने इस संख्या को जाना, और इसको याद हम ऐसे नहीं करेंगे, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, ढाई, इकाई, नहीं, हम इसको दाएं से बाएं ओर याद करेंगे, इससे इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हम इस तरह इसको याद करेंगे। और हमने अगर कोई भी अंक इकाई में लिखा है, यानी कि अकेला अंक लिखा है, इकाई का मतलब अकेला, 7 है, ये भी इकाई अंक है, इकाई अंक
लिखा है तो उसकी हमने अगर पहला अंक दायां पहला अंक है तो हमने एक से गुणा करनी है और उसकी पोजीशन पता लगनी है कि ये पहला अंक है। उसके बाद सात स्थानीय मान की बात कर रहा हूं मैं। अब हमने मान लिया कोई अंक यहां पे आठ लिखा है, आठ लिखा तो इसका स्थानीय मान कब, अब इसका मतलब ये है कि इकाई अंक दो अंक थे दाहिने में कितने बने थे दो अंक बने, दो अंक कौन सा सबसे पहले अंक जो जब भी हमें मान लिया एक अंक ये जीरो से लेकर नौ तक हमारे एक अंक बना ना एक अंक रहा, जब भी हमारा दो एक अंक बढ़ा हम उसी से गुणा करेंगे, उसी से उसकी जो भी अंक दे रखा है उसी पोजीशन से। अब हमारा दो अंक बने थे कब दाही में, जब ये नौ दस अंक हमारे कंप्लीट हो गए थे तब हमारे ये समझ लो ये नौ के बाद हमारा दसवां अंक हमारा दस ये बना था दस ये नंबर बना था ठीक है, ये तो क्या थे डिजिट थे अंक थे और ये हमारा नंबर बना संख्या बनी ठीक है। तो हमने जो पहली संख्या बनी अब 99 के बाद ये दो अंकों की है और ये भी दो अंकों की है, इसके बाद 100 बना ये हमारी तीन अंकों की संख्या बनी थी, ये हमारी कितनी बनी थी तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, जितनी भी सबसे छोटी संख्या बनती गई जिस अंक बढ़े जिसमें भी अंक बढ़े तो हम उसी से उनसे उनकी गुणा करेंगे। अब हमारी कितनी थी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 10 बनी थी, 10 का निर्माण हुआ था 9 के बाद तो अब हम 8 को 10 से गुणा करके बताएंगे कि ये 80 बनेगा कि यहाँ पे इसकी 8 की वैल्यू कितनी है 80 है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूं तो अब हम मैंने बोला कि 99 के बाद हमारे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी बनी 100 बनी, तभी तो हमारे तीन अंकों की संख्या बनी थी ना, सैकड़े का तभी निर्माण हुआ था जब हमने 2099 के खत्म करके हमने एक अंक बढ़ाया था ठीक है। तो अब हम इसकी पोजीशन जानने के लिए हम किससे गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि हमारा तीसरा अंक बना है ना एक दो तीन और तीस सैकड़े का मतलब 100 ही होता है और ये तीन ही अंक है तो पहले तीन अंक जिससे बने। अब चार अंकों की बोलूं अब यहां पे अगर बात करूं तो इसमें चार अंक है, ये पहला चार अंक है, जो भी पहले चार अंक है कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या से हम इनको गुणा करेंगे। जैसे अब ये 7 है, 7 के हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये 700 दर्शाएगा कि 7 की वैल्यू कितनी है 700 है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दो 1000 में तो अब हमारे पास कितनी किससे गुणा करें एक दो तीन और तीन और एक चार, कहने का मतलब चार पोजिशन चार अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमने 1000 से इससे गुणा करनी है और कितनी बनेगी 3000 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे कोई अंक होगा मान लिया 6 हो गया तो हम अब किससे करेंगे 6 गुणा में 10 और बढ़ा देंगे 1000 में तो वो बनेगा 10000, तो यहाँ पे 60000 की स्थिति दर्शाएगा ठीक है। ये हमारा स्थानीय मान है। एक दूसरी बात है ये ऐसे ही हमारा लाख 10 लाख करोड़ ऐसे ही हमारी बढ़ती चल जाएगी ठीक है, और ये डिटेल में आपने जो भी मैंने थंबनेल पे है ना अलग ही पोस्टर पे आगे स्थानीय मान लिखा पाएगा और जातीय मान लिखा पाएगा उसको देखना आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे इसको। इसके बाद हमारा क्या है इसके बाद एक जातीय मान आपको मान लिया, चल एक बार स्थानीय मान की बता दूं मैं, कोई संख्या दे दी 84742 ये संख्या दे दी और इसका स्थानीय मान ज्ञात करना हमने, तो हमने क्या कहने का मतलब दो गुणा में एक दो इकाई अंक चार क्या है दाहिने अंक दाहिने का मतलब 10 से गुणा करेंगे 4 गुणा में 10 40 और 7 गुणा में 100 700 ऐसे बने हमारे ये, और यहां पे 4000 4 गुणा में 1000 4000 और यहां पे 8 गुणा में 10000 तो यहां पे दर्शाएगा 8 की पोजीशन 80000 आठ की पोजीशन दर्शाएगा 80000। अब बच्चों ये बताओ ये पोजीशन जाने के बाद ये स्थिति बदल गई, इनकी स्थिति बदल गई, अब इसको एक यहां पे लिखा अकेला जाए इसको 8 बोलेंगे, अगर हम इसको 8 को यहां पे दाहिने के स्थान पे लिखें यहां पे जैसे यहां लिख रखा है तो अगर वहां पे बोलेंगे वहां पे 80, कहने का मतलब इससे यहां ये मालूम होता अगर यहां पे रखें इसको 8 को तो हम इसको 800 बोलेंगे है ना। अगर फिर इससे हमें पता क्या लगता है इससे हमें यही मालूम पड़ता है ना कि अगर हम किसी भी अंक को अलग स्थान पे रखेंगे किस इनके स्थान क्या है यही तो स्थान है इन्हीं स्थानों में रख सकते हैं ये तो है नहीं हम इसको शिमला में उठा के रख दें है ना, तो इन्हीं ये इनके स्थान है
इनकी क्या है, स्थान है। तो वही बात है कि हम अगर इनके स्थान चेंज करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब, तो अगर हम इन स्थानों इन अंकों को अलग स्थान पे रखेंगे तो इनके मान में परिवर्तन होगा, मान में परिवर्तन होगा। और मान क्या होता है, अगर हमने यहां पे कोई रखा तो वो हजार के साथ बनेगा ना, उसको अगर यह तीन रखा था ये क्या बनेगा, तीन हजार बनेगा ना, हजार लगा क्यों, क्योंकि इसके स्थान का नाम है। लेकिन तीन तो अब भी वाजा रही है, तीन तो अब भी वाजा रही है, तो तीन क्या है, ये तीन क्या है, तीन इसका जातीय मान है। तीन क्या है, जातीय मान है। कहने का मतलब कोई भी, अब कि कोई भी एक शर्मा जी है, है एक लड़का है शर्मा है, पंडितों का लड़का है, पंडित का लड़का है, ठीक है, वो यहां पे हरियाणा में है और उसका वो अमेरिका भेज दिया, वो अमेरिका भेज दिया, तो इसका मतलब वो शर्मा था या पंडित, जो पंडित था वो वहां पे जाके अपनी कास्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसको उसको राजपूत राणा जी थोड़ी बोलने लगे जाएंगे, है ना, वो शर्मा जी ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, स्थान चेंज होने से जातीय मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जातीय मान पर क्या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस बात से अब हमने कहने का मतलब, अगर 84,342 कोई ये संख्या लिख दे और मैं ये पूछूं कि इस दो का जातीय मान क्या क्या होगा, तो आपने बोला दो ही है, इस चार का जातीय मान क्या होगा कि चार ही है, इस तीन का जातीय मान क्या होगा तीन ही है, इस चार का जातीय मान क्या होगा चार ही है, और इस आठ का जातीय मान क्या होगा आठ ही है। तो कहने का मतलब हमारे अंकों को अगर स्थान चेंज करेंगे और जातीय मान पूछेंगे तो उसका जातीय मान हमारा चेंज नहीं हो सकता, जातीय मान वही डिजिट रहेगा, और डिजिट हमारा क्या रहे क्या है, इन हमारे जातीय मान इन दस अंकों में से ही पता लगाया जाएगा और इन्हीं में से ही बताया जाएगा। ये तो है नहीं उसको दस बोलने लग जाएंगे, डिजिट में ही बताया जाएगा और ये डिजिट दस है हमारे। किसी भी डिजिट का कहने का मतलब स्थान चेंज होने से स्थानीय मान बन जाता है, जातीय मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता और स्थान चेंज होने पर उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर हरियाणा में हो 8,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है और वो अमेरिका चला गया, स्थान चेंज हो गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, यहाँ की तुलना में उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, और स्थान चेंज होने पर वो कहाँ कितने कमाने लग गया, 3,00,000 रुपए कमाएगा, तो उसकी वैल्यू बन गई ना, बढ़ गई ना वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब स्थान चेंज होने से मान में स्थानीय मान में परिवर्तन होगा, जातीय मान में परिवर्तन नहीं होगा, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा स्थानीय मान हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हमें एक शब्द दो शब्द थे, एक पूर्ववर्ती एक परवर्ती, शायद वो अभी आए नहीं है, परवर्ती और पूर्ववर्ती वो शायद अगले एक्सरसाइज में है। अब हमने इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ ये लिख रहे हैं। गिनतियों को बच्चों जानने के लिए हमें दो प्रकार के मापदंड दिए गए हैं, और एक है जो भारत का है वो भारतीय है, उसको बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय
ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी, गणना प्रणाली। ठीक है, इसमें और इसमें इन दोनों को सीखना हमें अच्छा चाहिए, 1.1 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को जानने के बाद सिर्फ यही है। मैंने बच्चों आप शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, इन बेसिक क्लासों में 16 क्लास है जो उसमें करवा रखा बेसिक, ठीक है, कि शब्दों में कैसे लिखते हैं और अंकों में कैसे लिखते हैं। आप वहां पे जाके भी अंकों और शब्दों से वैसे एक्सरसाइज करवाएंगे, ए टू जेड सवाल करवाएंगे, ठीक है, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं, लेकिन आप वहां भी जाके देख सकते हो। कब तक? अगले मंडे तक। अगले मंडे तक का टाइम आप पे, आप निश्चित होके उन क्लासों को देखिए जो आपको जरूरत है। ठीक है, अब देखो भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है। भारतीय गणना प्रणाली में हमारे को दिए गए हैं कुछ नियम और अंतरराष्ट्रीय में दिए गए हैं कुछ अलग नियम। अब हमने भारतीय गणना प्रणाली में कहा कि हमें भारतीय गणना प्रणाली का मापदंड ये है, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का मापदंड कुछ और है, 1000 से आगे क्या चलेगा, मिलियन, हजार के बाद मिलियन और फिर उसके बाद बिलियन, जैसे आगे इधर बायो रखते हो दाएं से बायो, 1000 भी रहेगा, सैकड़ा भी रहेगा और दाई भी रहेगी और इकाई भी रहेगी। अब हमने मान लिया कोई भी संख्या लिख के देखते हैं अंतरराष्ट्रीय और भारतीय गणना प्रणाली, पहले भारतीय गणना प्रणाली ही सीखते हैं, ठीक है, गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में हमने क्या सीखना है, हमें कोई भी संख्या दी 84,748 ये संख्या दी, उसने बोल दिया कि इसमें अल्प विराम लगाने हैं, अल्प विराम और शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखना, सिर्फ दो ही चीज होती हैं दोनों में, एक अल्प विराम लगाना होता है, एक शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अगर हमें शब्दों में दिया है तो उसको अंकों में लिख के अल्प विराम लगाना होता है। ठीक है, अगर हमने देखो पहले इनको जानने के लिए, अगर हमने ये शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखें, हमने दाएं अंक से बाएं की ओर लिखते आना है, इसके नीचे लिखेंगे 8, हमें नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, हमारे लिए सिर्फ ये 10 ही अंक है जो 10 अंकों में हमने सीखा है कि ये 8 है, ये 4 है, ये 7 है और ये 4 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको लिखना है शब्दों में लिखना है, कैसे लिखे, देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे सैकड़े अकेला बोला जाएगा, अगर दाही में कोई अंक है जीरो से अलग, अगर यहां पे दाही के दाही का अंक जीरो है तो इकाई कल्ला बोला जाएगा, ध्यान से समझना ये बात, इकाई दाही हमेशा इकट्ठी बोली जाती है, इकाई दाही भारतीय गणना प्रणाली में इकट्ठी बोली जाती है, अगर दाही का अंक जीरो है तो हमारा इकाई अंक अकेला बोला जाएगा, पहली कंडीशन। उसके बाद सैकड़े का अंक अकेला बोला जाएगा, सैकड़े का अंक अकेला बोला जाएगा और उसके बाद दो दो अक्षर बोले जाएंगे। ठीक है, दो दो अंकों से बनी संख्या बोली जाएगी, अगर इनमें भी मान लिया यहां पे जीरो होता तो दो अंकों से बनी क्या कौन सी संख्या बनेगी, 80,000, क्या बनेगी, हजार वाली है ना ये, तो 80,000 बोली जाएगी। अगर हमारे यहां पे जैसे चार ही है, जैसे चार ही है तो फिर क्या बोला जाएगा, 84 बनेगी। अगर हमारी यहां पे अब हमारे चार ही है तो हम 4000 बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमें 84 है और यहां पे अगर 7 है
तो हम क्या बोलेंगे, 7 लाख। ऊपर देखेंगे कौन सी है, ये लाख पे है 7, तो 7 लाख होगी, इन दोनों को इकट्ठे बोल देंगे। अगर इसके आगे भी कोई संख्या होती, मान लिया अभी 87 होगी, तो इनको इकट्ठा बोलेंगे। लाख और 10 लाख इकट्ठी, करोड़ 10 करोड़ इकट्ठी, और लाख हजार और 10 हजार, ऐसे ही दो दो अंकों से बनेगी, वो भारतीय गणना प्रणाली होती है। अब हमारी संख्या सिर्फ इतनी थी कि हम 84 तक ही लेंगे, कि अब हमने क्या लिखना, इन दोनों को इकट्ठा लिखना, कैसे लिखेंगे, 84,700। मैंने बोला सैकड़े का हमेशा अकेला अंक बोला जाएगा, ये कितना 7, और कितना है कौन सी पोजीशन पर, सैकड़े, सैकड़े को हम 100 बोलेंगे, 700, और ये कितना है इकट्ठा बोलेंगे, 48। क्या है 48, 84,748। अब हमें अगर अल्प विराम लगाना है, अल्प विराम लगाते हुए ध्यान रखना है, इसमें पहले 3 अंक को छोड़कर, पहले 3 अंक को छोड़कर हमें दो दो अंक छोड़ने हैं। फिर जैसे अगर यहां पे भी कोई संख्या होती, यहां पे 1 होता तो हमारा सीधा यहीं पे आता, 2 अंक छोड़ने हमें। अगर हमारे यहां पे यहां भी कुछ संख्या होती तो हमने यहां पे कोमा आया ना, जैसे अब मैं नीचे लिखता हूं 4, 3, 8, 8, 4, 7, 4, 8, ये संख्या है, पहले 3 अंक छोड़ने हैं अल्पविराम, भारतीय गणना प्रणाली की बात कर रहा हूं, ध्यान करें, 3 अंक छोड़ने, फिर उसके बाद 2 छोड़ने हैं। अब हमारे यहां पे 2 छोड़े, यहां पे भी 2 छोड़े, पहले 3 अंक छोड़े, और हमने दाएं से बाएं की ओर अल्प विराम लगाते हुए आना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये अंक बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 2 अंक नहीं है, अगर 2 अंक होते तो हमारे 2 पे भी लग जाता, ठीक है ना, ऐसे भी लग जाता। अब हमारे पास 1 है, मान लिया अब यहां पे 0 दे रखा है, तो हमारे 2 अंक तो फिर भी माननी है ना, ठीक है। तो ये है भारतीय गणना प्रणाली, क्योंकि अब देखो यहां पे हजार की क्या है दाई, इसको 84 बोलेंगे, इसको 30 लाख बोलेंगे, इसको अकेला दे रखा तो 1 करोड़ होता, अकेला करोड़ हो गया, 4 करोड़, 30 लाख, 84,748 बोलेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या होती मान लिया, तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया 24,30,84,748। आपको ऐसे अल्पविराम लगाने हैं। भारतीय गणना प्रणाली में क्या करना है, हमारे पहले 3 अंक छोड़ के 2 अंकों में अल्पविराम लगाना है, और क्या करना है हमारे शब्दों में हमने ऐसे देख कर लिखना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, ठीक है। और ये बिल्कुल बारीकी से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे बेसिक मैथ क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे बिल्कुल बारीकी से देखिए, मंडे तक आपको बिल्कुल एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगी। उसके बाद हमारी है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हमारी यहां तक हजार, 10,000, और यहां पे मान लिया 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, हाँ मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब हम सीख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, ऐसे ही आगे बिलियन आ जाएगा। इसमें अल्प विराम लगाने, मान लिया कोई भी संख्या दे रखी है 2, 4, 3, 8, 3, 0, 8, 1, 0, 1, ये संख्या दे रखी है। अगर पहले अल्प विराम चिख लीजिए, अल्प विराम हमने क्या करना है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में, कुछ नहीं करना, 3 अंक छोड़ने हैं, सभी में कोमा लगाने, पहले 3 अंक छोटे कोमा लगा दिया, फिर उसके बाद 3 अंक छोटे कोमा लगा दिया, फिर उसके बाद 3 अंक है। अगर आगे भी अंक होते मान लिया बिलियन में होते तो यहाँ पे बिलियन बिलियन बनता, ठीक है, तो ऐसे होता और यहां पे कोमा आ जाता, ठीक है। इनको शब्दों में कैसे लिखा जाए, शब्दों में कैसे लिखा जाए, हमने शब्दों में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ये लिखना पड़ेगा, देखो यहां पे बिलियन कितना आया 4,
तो हम लिखेंगे 4 बिलियन, 4 बिलियन 248। हमने इनको भूलते जाना आगे जाके, इसको भूल जाओ, हम अब इनको भूल जाओ, सिर्फ जहां पे कोमा लग रहा है इनको 248 कितने हैं, 248 क्या है, मिलियन। आगे 308 क्या है, हजार। 308 हजार, और उसके बाद सैकड़े का 101, 101। अगर हमारे पास यहां पे कोई संख्या होती फिर इनके इन दोनों को इकट्ठे बोलते, फिर क्या बोलते, 121। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली हमारी ऐसी लिखी जाती है, ठीक है। कहने का मतलब अब अगर हमें कोई संख्या दे रखी है उसका मापदंड ये है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, उसके बाद 100 हजार, उसके बाद 100 हजार, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन, फिर 10 बिलियन, और फिर उसके बाद 100 बिलियन, ठीक है। हमने लिखने के लिए हमने इसके नीचे लिखना है, ये आप उतार लीजिए और आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, 4 बिलियन, बिलियन हमारे सिर्फ कितने, 4, उसके बाद यहां भी मिलियन, यहां भी मिलियन, यहां भी, तो हम क्या बोलेंगे, 248 कितने हैं, 248 मिलियन हमारे, उसके बाद 308 क्या है, ये भी हजार, ये भी हजार, ये भी हजार, 308 हजार और 121, ये हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय हमारी गणना प्रणाली है। और बच्चों आज के लिए इतना ही, और मंडे को हम क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे यही शब्द दे रखे हैं और यहां तक ही हमने एक्सरसाइज को समझने के लिए जरूरी था। और आप बिल्कुल, आपको ये भी याद करना पड़ेगा भारतीय गणना प्रणाली का जो भी मापदंड दिया था, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और फिर खरब, 10 खरब, हमने वो मापदंड वाला भारतीय गणना प्रणाली में यूज करना है। और इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 100 हजार, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, तो 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक है। ऐसे हमने अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हमने यूज करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में अल्प विराम लगाने हैं, 3-3 अंक छोड़कर, और भारतीय गणना प्रणाली में क्या लगाना है, हमने पहले 3 अंक छोड़ के, दाएं वाले 3 अंक छोड़ के, फिर 2-2 अंक पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद शब्दों में कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है ऐसे 3-3 अंकों का जोड़ा। अगर हमारे पास मान लिया यहाँ पे 0 होता तो कैसे लिखते कि 208 बिलियन, 208 बिलियन, ओ मिलियन, सॉरी, 4 बिलियन, 4 बिलियन, 208 मिलियन, 308 हजार, 308 हजार, जैसे हमने ये लिख रखा ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 248, ठीक है। तो 248 और 4 बिलियन, 248 मिलियन, 308 हजार, 121, हम ऐसे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली लिखेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगले मंडे को हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका अब मैथ शुरू हो चुका है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय गौ माता की, जय हिंद, जय भारत।